2018 में आए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन देने के लिए होता था। इसमें डोनेशन देने वाला अपनी पहचान बिना बताए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद की पार्टी को पैसे डोनेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये स्कीम राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 के खिलाफ जाती है, यानी लोगों को जानने का हक है कि पॉलिटिकल पार्टियों का पैसा कहां से आता है। तो चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में जारी किए जाते हैं। इस बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था खरीद सकती है। इन बॉन्ड को केवल SBI की सिलेक्टेड ब्रांचेस से ही खरीदा जा सकता है। इन बॉन्ड्स को 15 दिनों के अंदर इनकैश कराना होता है, नहीं तो ये पैसे प्रधानमंत्री राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के खाते में चले जाते हैं। बॉन्ड्स के जरिए सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन हासिल कर सकती है जिसने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो।